नमस्कार, वेलकम टू टकाटक रसोई। आज टकाटक रसोई में बन रहा है एकदम टेस्टी बाजार के जैसे मालपुआ। इसे मैं बिना चाशनी की ही बनाई हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है ना। तो आइए देखते हैं मालपुआ बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कैसे। बहुत ही सीक्रेट तरीका बताने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स, आटा, मैदा, चीनी और दूध लिया है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे मैदा को, इसके बाद डालेंगे आटा को, इसके बाद मैंने चीनी लिया है, इसे डाल देंगे। चीनी डालने के बाद ये जो दूध है इसे लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध को डाल करके हम इस मैदा और आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका गुठलिया जाने तक हम इसे घोलकर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे गुठलिया को तोड़ते जाएंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इस आटे को कितना अच्छा इसका बैटर तैयार कर दिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चुटकी बेकिंग सोडा, उसके बाद डालेंगे कुटी हुई सौंफ और इलायची। इससे मालपुआ में एकदम बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद मैंने ये ड्राई फ्रूट्स लिया था, इसे बारीक बारीक काट कर डालेंगे जो फ्लेवर भी आए और टेस्टी भी लगे। फटाफट फेंट कर तैयार कर लेते हैं और इसे ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए, फूल जाए। इससे पुआ बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और कड़ाही रख कर इसमें हम डालेंगे रिफाइंड। रिफाइंड जब बढ़िया गर्म हो जाए तब हम फ्लेम को लो कर देंगे और कलछी से इस तरह एक बार और फेंट लेंगे और उठाकर इसे बीच में डालेंगे धीरे से। ये देखिए कितना अच्छा राउंड शेप बना है ना। धीमी आंच पर इसे धीरे धीरे पकाएंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाए तब हम इसे दूसरी तरफ से पलट कर पकाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा फूल रहा है ना। जब तक पुआ फूल रहा है तब तक फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए पुआ को तलकर मैंने निकाल लिया है बारी बारी से सभी पुआ को। अब ये देखिए ये कितना टेस्टी लग रहा है ना। देखने में देखते ही आपके मुंह से पानी आ जाएगा। कब खाए इसे। बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, एकदम बाजार जैसे नरम और टेस्टी। ये देखिए मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से ये बहुत ही अच्छा फूला भी है। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।